वेलकम टू द शमास रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चने के दाल के हलवे की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसे बनाना ट्रिकी है पर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही लाजवाब हलवा बनके तैयार होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चने की दाल का हलवा। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम दाल ली, उसे साफ़ किया, धोया और उसे 2.5 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया। ये हमारी दाल भीग गई है अच्छे से, देखिए बढ़िया करके भीग गई है। अब हम इसे खुले बर्तन में उबालेंगे। तो हमने एक ही कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में बहुत सारा पानी डाल दिया है, गैस का फ्लेम भी ऑन कर दिया है। इसके अंदर डालेंगे हम चने की दाल। चने की दाल को हमें तब तक उबालना है जब तक ये पूरी तरीके से ना गल जाए, लेकिन ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें चने की दाल का एक कण खड़ा ही रखना है। तो चने की दाल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे उबलने देते हैं। दोस्तों, शबे बारात के मौके पर अक्सर ये हलवा बनाया जाता है, खाया जाता है, बहुत ही लाजवाब हलवा है। तो पहले चने की दाल को हम उबलने देते हैं। तो दाल हमारी पूरी तरीके से उबल चुकी है, देखिए दाल मैंने बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं की है। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ दाल को पास से, ये देखिए, और ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो रही है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे छान लेते हैं दाल को। देखिए, दाल को हमने छन्नी में निकाल लिया है और इसे इस तरीके से हमें फरेरा करना है कि इसमें पानी की एक बूंद भी ना रहे। इसे हमें ड्राई करके पीसना है, फिर आगे का प्रोसेस मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो पहले इसका पानी हल्का सा निचोड़ने देते हैं, इसे फरेरा होने देते हैं। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये हमारी चने की दाल बिल्कुल फरेरी हो गई है, देखिए ये बढ़िया हो गई है, पानी नहीं है। अब हम इसे एक जार में डालेंगे और इसको पीसेंगे। इसको हमें ड्राई ही पीसना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ऐसे करके इसे पीस लेते हैं, ये लगाते हैं इसका ढक्कन और पीस लेते हैं। ये सारी दाल हमने पीस ली है अच्छे से, देखिए बढ़िया करके पीसी है, बिना पानी की पीसी है, बहुत अच्छी दाल हो गई है। अब हमें इस दाल को भूनना होगा। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप रिफाइंड ऑयल में भूनेंगे या फिर देसी घी में। मैं इसे देसी घी में भूनूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है सिल्वर की और इसमें मैं डालूँगी कम से कम 250 ग्राम हमारी दाल है, तो 125 ग्राम के करीब हमारा देसी घी जाएगा इसमें। घी को मेल्ट होने देते हैं, तेल में हीट लग गई, इसमें डालेंगे दाल। बिल्कुल स्लो मीडियम भी से देंगे। बस इसका भूनने का ही प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा है, कम से कम नहीं तो 30 से 35 मिनट का है। अगर आपकी दाल कम है, ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसे भून लेते हैं अच्छे से जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये हमारी चने की दाल अच्छी तरीके से भून चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इसे हटा के रख देते हैं दूसरी गैस पर, लेकिन गैस बंद है हमारी। अब हम रखेंगे इस पर चाशनी। यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, सॉस पैन के लिए गैस मैंने ऑन कर दी है और इसमें डालूंगी चीनी। ये मैंने 250 ग्राम चीनी ली है, 250 ग्राम आपके चने की दाल है, 250 ग्राम ही चीनी लेनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप चीनी थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं। और आधा कप पानी डालूंगी इसमें, 125 ग्राम के करीब। और साथ ही इसमें डालूंगी ये इलायची, ये 4-5 इलायची मैंने छील कर इनको डाल दिया है इसमें। अब चलाते हैं इसे, चला देते हैं इसे और मेल्ट होने देते हैं। चीनी पानी आपस में घुलने देते हैं, बस चीनी और पानी को आपस में घुलाना है हमें, कोई अच्छा सा तार नहीं बनाना है हमें बिल्कुल भी। तो चीनी और पानी को घुलने देते हैं। ये चीनी और पानी आपस में घुल गए हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब चाशनी को डालेंगे चने की दाल के अंदर। तो ये चने की दाल है, इसके अंदर हम चाशनी डालते जाएंगे।
से चलाते जाएंगे। इसे कस के चलाना है हमें, गांठे नहीं रह जानी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये हलवा पूरी तरीके से हो चुका है। अगर आपको आपका हलवा पतला लग रहा है तो आप गैस पे रख के 5 मिनट से पका सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट। यहाँ पे मैंने ले ली है थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से काजू, थोड़ा सा कटा हुआ नारियल और थोड़ा सा बादाम। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने ही डालने ही हैं। देखिए ये मिलके हलवा तैयार हो चुका है, कितना बढ़िया लग रहा है। अब इस हलवे को हम जमाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीस की हुई एक थाली ले ली है, उसमें डालेंगे ये सारा मिश्रण। अब ये स्पैचुला से हम इसको ऐसे ऐसे फैला देंगे। ध्यान रखिएगा चने की दाल जो होती है वो जब ऐसे रूप में आती है तो आपका हाथ जला भी सकती है, तो बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। इसके ऊपर थोड़ा सा घी हम और लगा लेते हैं ताकि ये अच्छे से हो जाए, अच्छे से फैल जाए। स्पैचुला में से, डंडे में से स्पैचुला निकल गया। ये देखिए अच्छे से फैला लेते हैं ऐसे। ये हमारा हलवा अच्छे से फैल चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये कद्दूकस किया हुआ नारियल, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से छिड़क देते हैं। और ये थोड़ी सी ड्राई फ्रूट भी इसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसका लुक बहुत अच्छा आए। ये काजू और बादाम है, आप चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो किशमिश भी और डाल सकते हैं। स्पैचुला से हल्का हल्का दबा देते हैं ताकि इसमें ये चिपक जाए और इसको हलवे को ठंडा होने देते हैं 1-2 घंटे के लिए, ताकि इसके पीसेस अच्छे से जो है वो कट सकें। एक बात और, मैंने ड्राई फ्रूट को बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया है। अगर आप चाहें तो फ्राई करके इसे डाल सकते हैं। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। 2 घंटे हो चुके हैं हलवे को, देखिए अभी थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन हलवा वही होता है जो सॉफ्ट हो और थोड़ा उठाने लायक भी हो, जो हाथों में पकड़ा जाए। अब हम इसे कट करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसे जो जी चाहें वो शेप दे सकते हैं। आप इसे डायमंड शेप दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो दे सकते हैं। कट तो हमने ये हलवे के पीसेस काट के निकाल लिए हैं। देखिए कितने डिलीशियस लग रहे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। आप इसे बनाते समय बस थोड़ी सी सावधानी ये बरतिएगा कि आपको चने की दाल ओवर कुक बिल्कुल नहीं करनी है। अगर चाशनी डालते वक्त आपका हलवा थोड़ा पतला हो जाए तो आप उसे गैस पे रख के आराम से पका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेस्ट में लाजवाब है, खाने में बहुत अच्छा है। आप एक बहुत अच्छा हलवा बना के तैयार कर पाएंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। फिर मिलूंगी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।